एक बहुत फेमस कोट है एक प्रोग्रामर का, प्रोग्रामिंग में बस दो चीजें बहुत डिफिकल्ट है, पहला कैश इनवैलिडेशन और दूसरा नेमिंग। कैश इनवैलिडेशन के बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, बट दूसरी चीज जो कि नेमिंग है उसमें बहुत सारा समय जाता है हर प्रोग्रामर का, मेरा ही नहीं बड़े बड़े प्रोग्रामर का खूब सारा टाइम जाता है, पीआर रिव्यूज में जाता है। तो कैसे हम अपनी नेमिंग बेटर करें, कैसे हम वेरिएबल नेमिंग को बेटर करें, आइए इस पर डिस्कस करते हैं आज। सबसे पहला रूल है इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब क्या है? इरादा। देखो तीन सिंपल चीजें याद रखनी होंगी जब आप इंटेंशन सोच रहे हो, तो इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। पहला क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि व्हाई इट एग्जिस्ट, ये वेरिएबल एग्जिस्ट ही क्यों करता है। दूसरा आप पूछ सकते हो कि व्हाट इट डज, ये वेरिएबल करता क्या है, ये फंक्शन करता क्या है। और तीसरा पूछ सकते हो कि हाउ इट इज यूज्ड। इन तीनों में से किसी एक में भी अगर तुम्हें आंसर मिल जाएगा तो बहुत आसानी से तुम्हें अपने आप नाम आ जाएगा। अभी शायद समझ में नहीं आया हो, एक एग्जांपल देखते हैं। पहले ये बुरा वाला एग्जांपल है। देखो तीन फंक्शंस हैं, एक फंक्शन है f equals to p, समझ में नहीं आ रहा है क्या है यार। दूसरे में चलो अपडेट लिखा हुआ है बट स्टिल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं, ये देखो x equals p। देखो तुम बोलोगे कि भैया कोड होता ना यहाँ तो समझा देते कि क्या है, लेकिन कोड पढ़कर फंक्शन का या वेरिएबल का मीनिंग समझना वो डिफीट्स द पर्पस ऑफ अ गुड नेमिंग। ठीक है, तुम्हें क्या होना चाहिए कि यही तीन लाइन देखकर तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए था कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये वेरिएबल्स क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो इसमें देखो सेम है। जब हम देखते हैं लेट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी और प्रोडक्ट आईडी हमने दिया है, तो हम समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये एक प्रोडक्ट को उसकी आईडी से रिट्रीव करता है, सिंपल सी चीज है। दूसरा वाला में देखो लेट अपडेट कार्ट क्वांटिटी। अपडेट कार्ट क्वांटिटी क्या है? फंक्शन है जो कार्ट के क्वांटिटी को अपडेट करता है, नाम में ही सब कुछ है। और कैसे? प्रोडक्ट आईडी और न्यू क्वांटिटी लेके, तो वो एक प्रोडक्ट की आईडी लेता है, नई क्वांटिटी लेता है, उस आईडी के प्रोडक्ट की क्वांटिटी को अपडेट कर देता है नई क्वांटिटी से। तो बिना कोड देखे भी तुम्हें समझ में आ गया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है। तीसरा देखते हैं एड टू कार्ट प्रोडक्ट आईडी क्वांटिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक एड टू कार्ट फंक्शन है जो एक प्रोडक्ट आईडी लेता है और क्वांटिटी लेता है। मतलब मैंने फोन ऑर्डर, तो फोन का आईडी लेगा और क्वांटिटी लेगा कि मुझे दो चाहिए कि चार चाहिए कि पांच चाहिए, और उसको ले जाके कार्ट में ऐड कर देगा, ये फंक्शन यही करेगा। तो देखो अभी बिना इंटरनल कोड देखे भी तुम्हें समझ में आ गया कि क्या हो रहा है इस फंक्शन में, और इस फंक्शन क्या दो वेरिएबल ले रहा है, ये दो वेरिएबल भी क्या है। ऐसा नहीं कि p, q, a, b, x, z, ऐसा नहीं है ना। वेरिएबल के नेम भी काफी क्लियरली बता रहे हैं कि प्रोडक्ट की आईडी चाहिए, नई क्वांटिटी चाहिए, ऐसे करके। एक क्विज देखते हैं, ये कोड देखो गेट लिस्ट फंक्शन। तो पहले हम ये कोड देखते हैं जिसमें गेट लिस्ट है और इसमें रिजल्ट लिस्ट जा रहा है, और काफी समझ में आ रहा है कि हाँ लिस्ट के ऊपर इटरेशन हो रहा है और रिजल्ट में कुछ डाला जा रहा है और फिर नया रिजल्ट लिस्ट आपको भेजा जा रहा है। ये तो काफी क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। गेट लिस्ट को एक लिस्ट मिलता है, एक एक्स मिलता है और कुछ कुछ होता है। जरा एक बार सवाल देखते हैं, क्या मुश्किल है इसमें? इसमें मुश्किल क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन तो है नहीं, इंडेंटेड भी है, फॉर्मेटेड भी है, तो प्रिटियर ने अपना काम कर दिया है, तीन ही वेरिएबल भी यूज हुए हैं, कोई फैंसी स्टफ भी नहीं है। इतना सब कुछ के बाद भी जब तुम एक बार कोड को देखते हो, जैसे मैं तुम्हें एक बार तब से ये कोड दिखाया है, तुम्हें खुद से समझना पड़ रहा है कि यार ये फंक्शन करके आ रहा है। तुम्हें ड्राई रन करके देखना पड़ रहा है कि यार फंक्शन करके आ रहा है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें हमने क्या किया, सेम ही फंक्शन को बस नाम दे दिया। हमने कहा फंक्शन गेट आइटम्स बाय कैटेगरी, और हमने क्या कहा इसमें कि इसमें दो चीजें आ रही है, आइटम्स आ रहे हैं और कैटेगरी आ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एरे बना रहे हैं लेट आइटम्स बाय कैटेगरी, और हम देखते जा रहे हैं कि कौन कौन सा वो आइटम है जो गिवन कैटेगरी का है, और जो जो गिवन कैटेगरी का आइटम है वो हम एक एरे में डालकर वापस कर देते हैं आइटम्स बाय कैटेगरी में। बिल्कुल आसानी समझ में आ गया कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, बहुत आसानी से। क्या अंतर हुआ एक बार देखो ध्यान से, कुछ भी नया नहीं था, सिंपल था, सेम था। अगर हम दोनों फंक्शंस को सामने ले आए, गेट लिस्ट को और आइटम्स बाय कैटेगरी को, एकदम सेम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस वेरिएबल का नाम चेंज कर देने से, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज कर देने से कितना ज्यादा अच्छे समझ में आ गया कि फंक्शन क्या कर रहा है। तुमने देखा ना ये जादू खुद से। अब इसको थोड़ा और समझते हैं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना है, दूसरा रूल जो है वो ये रूल है कि मीनिंगफुल होना चाहिए नाम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दो, अगर दो नाम बहुत ज्यादा एक जैसे दिख रहे हैं
तो नाम को इतना चेंज कर देना चाहिए कि उसका मीनिंग बहुत क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल समझाता हूँ, ये एग्जांपल देखो, इसमें दो फंक्शन है, एक है गेट प्रोडक्ट जिसमें आईडी ले रहे हैं और एक है गेट प्रोडक्ट्स जिसमें आमतौर पे सारे के सारे प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन गेट प्रोडक्ट और गेट प्रोडक्ट्स में बस एक एस का अंतर है, तो कभी ना कहीं गलती हो सकती है। तो अगर हम इसको थोड़ा मीनिंगफुल बनाना चाहें तो क्या करेंगे, ये देखो इसमें हमने क्या किया, फंक्शन गेट प्रोडक्ट को चेंज करके गेट प्रोडक्ट बाई आईडी कर दिया और उसमें आईडी पास करें, तो अब ये काफी क्लियर हो गया कि ये प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट वापस करेगा, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, गेट प्रोडक्ट्स को, जो कि अगेन थोड़ा सा अच्छा था बट बहुत अच्छा नहीं था, हमने उसको कहा गेट ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि सारे प्रोडक्ट्स लेकर आ जाओ। तो अब जब हम ये नाम देखते हैं, सेम कोड पे जब हम नाम देखते हैं तो हमें काफी क्लियर हो जाता है कि एक गेट प्रोडक्ट बाय आईडी है और दूसरा गेट ऑल प्रोडक्ट्स है। तो मीनिंगफुल नाम लगा देने से कितना अंतर आ जाता है कोड को समझने में। सुनो, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं कुछ नेमिंग के टिप्स और ट्रिक्स बचा के रख रहा हूँ कि वेरिएबल को स्पेसिफिकली कैसे नेमिंग करें, बूलियन को कैसे नेम करें, एरे को कैसे नेम करें, क्लासेस को कैसे नेम करें और ऑब्जेक्ट्स को कैसे नेम करें, ये सारे पीसेस मुझे आपको बतानी है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो कमेंट जरूर डालना कि भैया नेमिंग का पार्ट टू लेकर आइए। एक और गलती हम करते हैं, बहुत ही सिंपल सी मिस्टेक है, जब हम प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो हम ये करते हैं क्योंकि हमें उस समय नेमिंग पे ज्यादा समय बिताना होता, क्योंकि नेमिंग सोचना मुश्किल होता है, लेकिन फिर हम वो गलती करते चले जाते हैं, प्रोजेक्ट में भी करते हैं, प्रोडक्शन कोड में भी करते हैं और उससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है। ये गलती क्या है, जैसे मैं आपको ये दिखाता हूं, देखो ये गेट टोटल फंक्शन एर वन एर टू, तो वन और टू यू नो ए वन ए टू, ये जो नंबर सीरीज होती है ये सही चीज नहीं है, कभी भी ये नहीं करना चाहिए, एर वन एर टू ए वन ए टू बी वन बी टू, ये सब बहुत खराब। उसके जगह ये वाला फंक्शन देखो, कैलकुलेट ऑर्डर टोटल, तो पहले तो हमने कहा गेट टोटल, भैया क्या टोटल होता है, कौन सा टोटल, हमने वो बता नहीं पाया ना कि कौन सा क्यों क्या कर रहा है, तो हमने उसको कहा कैलकुलेट ऑर्डर टोटल, तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये कैलकुलेट करेगा टोटल ऑर्डर को, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एर वन और एर टू था, जो तुम इस साइड देख रहे हो एर वन और एर टू था, उस एर वन एर टू को हटा के हमने कहा देखो एर वन जो है बेटा वो आइटम प्राइसेस है, ठीक है, वो प्राइसेस का एरे है और दूसरा शिपिंग कॉस्ट का एरे है। तो जब आप ये एर वन एर टू को एग्जैक्ट एरे नेम दे देते हो तो आपको जो इंटरनल कोड है इसके अंदर वो भी समझना बहुत आसान हो जाता है कि अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, आपको एक तुरंत से फीलिंग आ जाती है कि अच्छा ये कर रहा है आइटम प्राइसेस और शिपिंग कॉस्ट को ऐड करके रिड्यूस लगाकर उस पर टोटल ऑर्डर का कॉस्ट निकाला जा रहा है। एक और चीज देखते हैं मीनिंगफुल में, एक और गलती करते हैं हम लोग नॉइज वर्ड्स ऐड करते हैं। नॉइज वर्ड्स क्या होता है, जिस वर्ड का कोई मतलब नहीं है पर हमने डाल दिया क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगा। ऐसे कौन से वर्ड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे डेटा, वैल्यू, इन्फो, वेरिएबल, टेबल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट। अरे क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रिंग है कि ऑब्जेक्ट है, वो तो मुझे डेटा टाइप से ऐसे ही पता चल जाता है, मैं उस पर होवर करूंगा तभी मुझे दिख जाएगा कि वो स्ट्रिंग है कि ऑब्जेक्ट है, वो वेरिएबल है, अरे वेरिएबल तो होगा ही, इन्फो डेटा वैल्यू इन चीजों को कोई मतलब ही नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखो, इसमें है कैलकुलेट टोटल प्राइस, प्रोडक्ट डेटा, शिपिंग डेटा, टैक्स रेट। अरे प्रोडक्ट्स डेटा क्या होता है, बस प्रोडक्ट्स रख लो, तो उसके जगह हमें ऐसा करना चाहिए कैलकुलेट ऑर्डर प्राइस, प्रोडक्ट्स, शिपिंग, टैक्स रेट। तो ये जो अननेसेसरी वर्ड्स है ना, खासकर ये डेटा, इन्फो, टेबल, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, ये सब की कोई जरूरत नहीं होती, कभी भी कोई जरूरत नहीं होती। आप सिंपल वर्ड्स से समझा सकते हो, प्रोडक्ट्स अपने आप में एरे है तो प्रोडक्ट्स लिस्ट का कोई पॉइंट नहीं होता, प्रोडक्ट्स अपने आप में डेटा है तो प्रोडक्ट्स डेटा का कोई पॉइंट नहीं होता। तो जब आप ये नॉइज वर्ड्स यूज कर रहे हो तो जरूर से उनको हटा के देखो क्या इनके बिना मेरा मीनिंग स्टिल इंटैक्ट रहता है कि नहीं। नेमिंग में ये गलती नहीं करना कि बड़ा नाम है तो बेहतर है, हमेशा ये जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोटे नाम भी अच्छे होते हैं, बस वो अपना मीनिंग बता सके। तो एक और बात करते हैं आज मैजिक वर्ड्स या नंबर्स के बारे में। कहीं कहीं हम कोड में क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल देखो, इफ स्टेटस ट्रिपल इक्वल्स वन, डू समथिंग। अरे वन तो समझ में आ गया लेकिन वन मुझे क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्यों ये वन डाला है हमने। तो आपने जब कोड किया तो आपको लगा हाँ वन सही लग रहा है, बहुत बढ़िया लिख देते हैं, पर जब कोई कोड पढ़ेगा उसे समझ में नहीं आएगा कि वन का मतलब क्या है। तो उसके जगह हमें क्या करना चाहिए, ये एग्जांपल देखो, स्टेटस पेंडिंग इक्वल्स वन, हमने कॉन्स्ट वेरिएबल डिफाइन कर दिया और तब जब हम कोड लिख रहे हैं स्टेटस इक्वल्स स्टेटस पेंडिंग, तो काफी क्लियर है कि अभी पेंडिंग स्टेटस में ये चीज करनी है। समझ रहा है आप, वन देखकर आपको समझ में नहीं आया कि क्यों कर रहे थे, लेकिन जब आपने देखा स्टेटस इक्वल स्टेटस पेंडिंग इफ तब ये करो तो आपको समझ में आ जाता है। तो इसलिए मैजिक वर्ड के टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि उनको कॉन्स्टेंट्स में चेंज कर दिया जाए। इनफैक्ट
अच्छे कोड बेसिस में, जैसे कि मैं जब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में था तब तो ये रूल था कि नो मैजिक नंबर्स करके एक रूल आता है ESLint में, वो रूल ऑन रहता था कि कोई मैजिक नंबर आप कहीं यूज ही नहीं कर सकते हो, आपको हर चीज को एक वेरिएबल को असाइन करना बहुत जरूरी है। बहुत सारा ओवरवेलमिंग चीज हो गया, एकदम से लग रहा है यार मैंने शायद सारी नेमिंग गलत कर दी। अब ये भी ना हो जाए कि जब तुम कोड लिख रहे हो तो नाम ही सोचते रह जाना, तो कैसे इसको करते हैं? पहले तो जब तुम कोड लिख रहे होते हो तो कोड लिख लिया करो, जो नेमिंग ऑब्वियस आए वो लिख दो, लेकिन उसके बाद कोड रिव्यू करना अपना बहुत जरूरी है। अपना कोड जब रिव्यू करोगे तब समझ में आएगा कि यार इसकी नेमिंग थोड़ी बेटर हो सकती थी, इसकी नेमिंग बेटर हो सकती थी। तो हम लोग कह देते हैं एक रिव्यूअर हैट पहनना होता है कि अब मैं कोडर नहीं, अब मैं रिव्यूअर बन गया हूं, और फिर कोड अपना खुद रिव्यू करना होता है और नेमिंग बेटर करनी होती है। तो ओवरवेल मत हो जाना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बिल्कुल करते जाना, क्योंकि ऐसे अच्छे वीडियोस और बहुत आ रहे हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे और आपकी कोड क्वालिटी, आपकी इंजीनियरिंग की क्वालिटी बहुत बेटर होने वाली है इन वीडियोस के साथ।